देखिए दोस्तों, रात का समय और थोड़ी देर पहले हमें कॉल आया कि यहाँ पे कोबरा छुपा हुआ है। तो हमने भी देखा दोस्तों, वहाँ पर बहुत ही बड़ा कोबरा छुपा हुआ है, लेकिन बहुत ही ज्यादा अड़चन होने के कारण हम उसे निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये पूरा निकालना पड़ेगा उसे पकड़ने के लिए। तो दोस्तों, हम इस कोबरा को कैसे रेस्क्यू करते हैं देखने के लिए प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहे। कुठे बाहेरून एक मिनिट आलो, चल ये इकडे इकून बघा, इकून ते खाली आपले काढा थांबे। देखिए दोस्तों, जब हम अंदर गए और उसे पकड़ना चाहा तो वहाँ पे बहुत ही बांबू थे और बहुत ही ज्यादा अड़चन थी। जब हमने बांबू निकालने का प्रयास किया तो वो नीचे से यहाँ इस बिल में चला गया है। तो देखेंगे दोस्तों, अभी इस बिल को खोदकाम करके निकालना पड़ेगा। कमी जास्त फक्त भाग दोस्तों, पिछले तकरीबन 2 घंटे से हम यहाँ पर लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो दिखाई नहीं दिया है। एक बार यहाँ पे दिखाई दे और ये इस बिल में चला गया है, तो अभी इसे निकालना बहुत ही कठिन काम है दोस्तों। फिर भी हम इसे निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या दोस्तों, सब कहीं पर भी छुपे हो सकते हैं, वो खेतों में, ईंटों, पत्थरों और लकड़ियों में, हमारे घरों के आसपास, हमारे घरों में तथा हमारे बेड पर भी आ सकते हैं। ऐसी ही एक घटना हमारे बाजू के एरिया में दो दिन पहले घटी थी दोस्तों। एक 15 वर्षीय बालिका उसके बेड पर जो सोई हुई थी, लेकिन सुबह जब तो वह नींद से जागी ही नहीं दोस्तों, क्योंकि उसके साथ ही एक कॉमन क्रिएट सांप उसके नजदीक सोया हुआ था। शायद उसी सांप ने उसे रात में काटा होगा दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि आप जब भी खेतों में काम करते हैं, रात में काम करते हो या दिन में काम करते हो, आपको हमेशा सतर्कता बरतनी चाहिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भास्कर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सर्पमित्र डॉक्टर भास्कर। देखिए, आज इतने रात के टाइम में हम यहां पे आ गए हैं और तकरीबन पिछले 2 घंटे से हम लगातार यहां पे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने यहां पे बहुत ही बड़ा कोबरा सांप देखा है दोस्तों। पांढरी माती गज मारले कुठे गेला विठ्ठल? हाथ उतरू ना। देखिए दोस्तों, इसकी पूछ तो मैंने पकड़ लिया है पूरा, लेकिन ये पूरा अंदर चला गया है दोस्तों और हमसे बहुत ही मेहनत करवा रहा है। किसकी साइज हमें दिखाई नहीं दिया है। विठ्ठल पकड़ो, नहीं व्यवस्थित ओढ़ू नको विठ्ठल, बिल्कुल नहीं, फक्त कॉन्स्टंट पकडून ठेव, आज जाऊ दे नको। अरे बापरे। बस
थांबा भाऊजी खोरं देऊ दे. अरे बापरे निघला जास्त मोठा नाही तो जाड जास्त आहे. देखिए दोस्तों ज्यादा लंबा नहीं है ये बहुत ही ज्यादा है दोस्तों एकदम खाते पीते घर का है दोस्तों देखिए बहुत ही स्ट्रांग है. बापरी काय साडी ऐसे खतरनाक सांपों की दहशत में ही हमारे किसान भाइयों को दिन रात खेतों में मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों. शायद इसी वजह से हमारे किसान भाई सांपों को बहुत ज्यादा तौर पर मारते हैं. लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी किसान भाइयों को एक ही दरख्वास्त करना चाहूंगा कि सांपों को कतई नहीं मारे दोस्तों. इंडिया स्पेक्टेकल कोबरा देखिए दोस्तों एक इंडिया स्पेक्टेकल कोबरा है और बहुत ही खतरनाक होता है. हमारे इंडिया में जो टॉप 4 सांप माने जाते हैं इनमें से इसका शुमार होता है दोस्तों. इसे मराठी में नाग कहते हैं और हिंदी में भी इसको नाग कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम होता है नाजा. इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का वेनम होता है दोस्तों. अक्सर ये सांप चूहों की तलाश में हमारे घरों के आसपास खेतों में आ जाते हैं. शायद इसी वजह से यह सांप यहाँ पे आया होगा और यहाँ पे उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन है इसलिए ये बहुत ही धष्ट पुष्ट हो चुका है. खूपच भयंकर झाड आहे. त्याचं वजनही जास्त आहे. वजन खूप वजन आहे. ठेव बरं एकदा खाली आपण स्टँड करूनच घाल. नाही होत नाही. थांब ना एक मिनिट हा विठ्ठल घ्या बरं. मीच पहिला झाकण बॅटरी बंद करा इकडच्या. तो देखा दोस्तों इस कोबरा को बड़ी मेहनत से यानी तकरीबन 3 घंटा मेहनत करने के बाद हम इसे पकड़ पाए हैं. अभी इस सांप को हम इसके प्राकृतिक निवास यानी जंगल में रिलीज कर देंगे. ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकॉन का बटन होता है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो. तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ. तब तक के लिए जय हिंद शुभ रात्रि. दोस्तों अभी कल हमने 3 कोबरा को रेस्क्यू किया था तो अभी इनको इनके प्राकृतिक निवास यानी जंगल में रिलीज करने लाए हैं. दोस्तों अभी इनको हम यहाँ पे रिलीज कर देंगे. तो देखा दोस्तों अभी इन सभी सांपों को यहाँ पे हमने रिलीज कर दिया है.